Guys and girls, good morning. Zai Tian, good morning. Welcome to English speaking class. Guys and girls, assalamu alaikum. Today, aaj hum future tense conditional jumle dekhte hain. Aane wale waqt mein jo kaam ya jo baat ki jaye ya jo kaam aane wale waqt mein mustaqbil mein ho उसके इजहार के लिए जिस जुमाने का इस्तेमाल किया जाता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं और इसमें कंडीशनल जुमले भी होते हैं, कंडीशंस भी होती हैं. कंडीशंस मींस कुछ शराइत होती हैं और उनके तहत जो है इसके जुमले बनाए जाते हैं. आइए आज फ्यूचर टेंस देखते हैं. कंडीशन फर्स्ट के ये जुमले हैं, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंसेस भी होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट आप पढ़ चुके हैं. और दो जुमले इसमें दिए जाते हैं, एक फ्यूचर में एक प्रेजेंट में, और दोनों जुमले फ्यूचर में भी हो सकते हैं. तो आइए इन जुमलों को देखते हैं. लेट्स हैव अ स्टार्ट. आइए आगाज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज आई शैल कंटिन्यू इफ ही एग्रीज. I shall continue if he agrees. अगर वो इत्तफाक करता है मैं काम जारी रखूँगा अगर वो इत्तफाक करता है. I shall continue if he agrees. तो यहाँ पे आपने दो जुमले देखे व्यूअर्स एंड गाइस, दो जुमले आपने देखे. I shall continue ये फ्यूचर है, इसमें फाइल के बाद शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, फाइल आय है. आई शैल कंटिन्यू, कंटिन्यू वर्ब है जारी रखना और आय के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगाया जाता है. आई शैल कंटिन्यू, मैं काम जारी रखूंगा, ये कंडीशन फर्स्ट है, पहली शर्त वाले जुमले हैं और इसमें पहला हिस्सा आपने देखा. आई शैल कंटिन्यू, मैं काम जारी रखूंगा. अब आगे दूसरा जुमला है, उसे इफ के साथ जोड़ा गया है. इफ के माने होते हैं अगर. इफ ही एग्रीज अगर वो इत्तेफाक करता है. तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत कंडीशन है, बाहमी अंडरस्टैंडिंग, बाहमी रजामंदी इसमें उसका इजहार है और उसके साथ ये कंडीशन लगाई गई है. आई शैल कंटिन्यू, मैं काम जारी रखूंगा इफ ही एग्रीज अगर वो इत्तेफाक करता है. तो ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और बड़ा खूबसूरत जुमला है, रीजनेबल कंडीशन है. आई शैल कंटिन्यू इफ ही एग्रीज, मैं काम जारी रखूंगा अगर वो इत्तेफाक करता है. आइए इसे फिर से दोहराते हैं. आई शैल कंटिन्यू इफ ही एग्रीज अगर वो इत्तेफाक करता है मैं काम जारी रखूंगा. आई शैल कंटिन्यू इफ ही एग्रीज अगर वो इत्तेफाक करता है मैं काम जारी रखूंगा. I shall continue if he agrees. अगर वो इत्तेफाक करता है मैं काम जारी रखूंगा. तो इसमें एक फर्स्ट जो पार्ट है जुमले का, सेंटेंस का, फ्रेज का, फर्स्ट पार्ट ये फ्यूचर में है और सेकंड पार्ट ये प्रेजेंट में है. तो इसमें बाय रूल्स ये हम प्रेजेंट और फ्यूचर को आगे पीछे लिख सकते हैं और दोनों जुमले फ्यूचर में भी हो सकते हैं. तो आइए अगला जुमला देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं. नेक्स्ट वन इज We shall help if they call. यहाँ पे call है. If they call. अगर वो बुलाते हैं तो हम मदद करेंगे. If they call. Call के spelling यहाँ पे हम add कर रहे हैं. CALL. If they call. अगर वो बुलाते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं. अगर वो बुलाते हैं, इफ दे कॉल बॉय शैल हेल्प. तो ये खूबसूरत फ्रेज है. We shall help if they call. अगर वो बुलाएंगे हम मदद करेंगे. We shall help
इफ दे कॉल वी शैल हेल्प, अगर वो बुलाते हैं हम मदद करेंगे। इफ दे कॉल वी शैल हेल्प, तो इसे फिर से पढ़ते हैं, वी शैल हेल्प इफ दे कॉल, अगर वो बुलाते हैं तो हम मदद करेंगे। वी शैल हेल्प खूबसूरत फ्रेज है, हम मदद करेंगे फ्यूचर टेंस है, वही फाइल है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल ऐड होता है। वी शैल हेल्प हेल्प वर्ब है, वी शैल हेल्प हम मदद करेंगे, यानी गुड जेस्चर है, गुड साइन है कि हम मदद करेंगे, एग्री किया जा रहा है कि वी शैल हेल्प हम मदद करेंगे। इफ दे कॉल, इफ कंडीशन जुमलों को मिलाने के लिए कंडीशन के लिए जाता है, अगर वो कॉल अगर वो बुलाते हैं, इफ दे कॉल अगर वो बुलाते हैं, तो ये प्रेजेंट में है, इफ दे कॉल अगर वो बुलाते हैं वी शैल हेल्प, फिर से पढ़ते हैं, वी शैल हेल्प इफ दे कॉल, वी शैल हेल्प इफ दे कॉल, अगर वो बुलाते हैं हम मदद करेंगे, ये खूबसूरत फ्रेज है। आइए अगला जुमला देखते हैं, दे विल पास इफ दे वर्क हार्ड, दे विल पास इफ दे वर्क हार्ड, दे विल पास इफ दे वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करते हैं वो पास हो जाएंगे, दे विल पास वो पास कर लेंगे, वो पास हो जाएंगे इफ दे वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करते हैं, तो ये भी खूबसूरत फ्रेज है, दे विल पास, दे फाइल है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल के लिए आता है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल ऐड किया जाता है, दे विल पास वो पास हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, दे विल पास वो पास हो जाएंगे इफ दे वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करते हैं, इफ दे वर्क हार्ड अगर वो मेहनत करते हैं वो पास हो जाएंगे, तो इतना ही खूबसूरत फ्रेज है, अगर वो मेहनत करते हैं वो पास हो जाएंगे, दे विल पास इफ दे वर्क हार्ड, दे विल पास इफ दे वर्क हार्ड, दे विल पास इफ दे वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करते हैं तो पास हो जाएंगे, तो इसमें भी पहला हिस्सा फ्यूचर में है और दूसरा प्रेजेंट में, दे विल पास वो पास हो जाएंगे इफ दे वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करते हैं, तो एक खूबसूरत फ्रेज है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं, ही विल बी लेट इफ ही विल मिस द ट्रेन, ही विल बी लेट इफ ही विल मिस द ट्रेन, अगर उससे गाड़ी छूट गई उसे देर हो जाएगी, अगर उससे गाड़ी छूट गई उसे देर हो जाएगी, ही विल बी लेट उसे देर हो जाएगी, इफ अगर ही विल मिस द ट्रेन, अगर उससे गाड़ी छूट गई, अगर उस वो गाड़ी से रह जाएगा तो उसे देर हो जाएगी, इतना ही खूबसूरत फ्रेज है, कंडीशन है, ही विल मिस द ट्रेन, ही विल बी लेट, ही विल बी लेट उसे ताखीर होगी, उसे देर हो जाएगी, इफ ही विल मिस द ट्रेन, अगर उससे गाड़ी छूट जाएगी, इफ ही विल मिस द ट्रेन, ये कंडीशन है, अगर उससे गाड़ी छूट जाएगी ही विल बी लेट उसे देर हो जाएगी, इतना ही खूबसूरत फ्रेज है, ही विल बी लेट इफ ही विल मिस द ट्रेन, ही विल बी लेट इफ ही विल मिस द ट्रेन, अगर उससे गाड़ी छूट गई तो उससे देर हो जाएगी, अगर उससे गाड़ी छूट गई उसे देर हो जाएगी, ही विल बी लेट उसे देर हो जाएगी, उसे ताखीर हो जाएगी, If he will miss the train, अगर उससे गाड़ी छूट जाएगी, अगर उससे गाड़ी छूट जाएगी उसे देर हो जाएगी। आइए अगला फ्रेज देखते हैं, She will quit, वो छोड़ देगी, If she loses the race, अगर वो दौड़ हारती है तो वो दौड़ना छोड़ देगी, अगर वो दौड़ हारती है वो दौड़ छोड़ देगी, She will quit If she loses the race, ये भी खूबसूरत फ्रेज है, She will quit, she फाइल है, सिंगुलर फीमेल के लिए आता है, थर्ड पर्सन है she, और इसके साथ फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल ऐड किया जाता है, सिंगुलर फीमेल थर्ड पर्सन के साथ फाइल के साथ विल ऐड किया जाता है इस टेंस में, She will quit, quit होता है छोड़ देना, किसी चीज को तर्क कर देना, छोड़ देना, She will quit, वो छोड़ देगी इफ शी लूजेस द रेस, अगर वो दौड़ हारती है तो वो दौड़ना छोड़ देगी, इफ शी विल क्विट वो दौड़ना छोड़ देगी
इफ शी लूजेस द रेस, अगर वो दौड़ हारती है तो वो दौड़ना छोड़ देगी। एक दूसरा फ्रेज है, अगर वो दौड़ हारती है तो वो दौड़ना छोड़ देगी, अगर वो दौड़ हारती है तो वो दौड़ना छोड़ देगी। आइए इन जुमलों को एक बार फिर से दोहराते हैं। लेट्स हैव अ गो वंस अगेन। आई शैल कंटिन्यू इफ ही एग्रीज, आई शैल कंटिन्यू इफ ही एग्रीज, अगर वो इत्तेफाक करता है मैं काम जारी रखूंगा। आई शैल कंटिन्यू इफ ही एग्रीज, अगर वो इत्तेफाक करता है मैं काम जारी रखूंगा। नेक्स्ट वन इज वी शैल हेल्प इफ दे कॉल, वी शैल हेल्प इफ दे कॉल, अगर वो बुलाते हैं हम मदद करेंगे। वी शैल हेल्प इफ दे कॉल, वी शैल हेल्प इफ दे कॉल, अगर वो बुलाते हैं हम मदद करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज दे विल पास If they work hard, they will pass. If they work hard, they will pass. If they work hard, अगर वो मेहनत करते हैं वो पास हो जाएंगे। They will pass, वो पास हो जाएंगे। If they work hard, अगर वो मेहनत करते हैं वो पास हो जाएंगे। They will pass if they work hard, अगर वो मेहनत करते हैं वो पास हो जाएंगे। And next one is he will be late if he will miss the train. He will be late if he will miss the train. He will be late if he will miss the train. उसे देर हो जाएगी अगर उसे गाड़ी छूट जाएगी, उसे देर हो जाएगी। He will miss the train. उसे गाड़ी उसे देर हो जाएगी। He will be late. उसे देर हो जाएगी। If he will miss the train. अगर उसे गाड़ी छूट गई उसे देर हो जाएगी। था एक खूबसूरत जुमला है, अगर उससे गाड़ी छूट गई उसे देर हो जाएगी। He will be late if he will miss the train. He will be late if he will miss the train. उससे गाड़ी छूट गई उसे देर हो जाएगी। And next is she will quit if she loses the race. She will quit if she loses the race. She will quit if she loses the race. अगर वो दौड़ हारती है वो दौड़ना छोड़ देगी, अगर वो दौड़ हारती है वो दौड़ना छोड़ देगी, अगर वो दौड़ हारती है वो दौड़ना छोड़ देगी। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर देते हैं, यहाँ दौड़ना है तो शी विल क्विट, वो दौड़ना छोड़ देगी, अगर वो दौड़ हारती है तो वो दौड़ना छोड़ देगी, अगर वो दौड़ हारती है तो वो दौड़ना छोड़ देगी। She will quit if she loses the race. आइए इसे फिर से पढ़ देते हैं। She will quit if she loses the race. अगर वो दौड़ हारती है वो दौड़ना छोड़ देगी। She will quit if she loses the race. अगर वो दौड़ हारती है वो दौड़ना छोड़ देगी। Guys and girls, future tense conditional part one इंतहाई खूबसूरत phrases हैं। इनके बनाने के, इनको कंपोज करने के तरीके को जहन नशीन कीजिएगा, इन जुमलों को मेमोराइज़ कीजिएगा। इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं और इनका इस्तेमाल कॉमनली किया जाता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, गुड बाय।